तत्व काय में होता है, बुद्धि में होता है। अब खूब लहसुन प्याज के पकोड़ा बनवा के खाओगे तो बुद्धि में देवत्व बचेगा क्या? देवत्व समाप्त हो जाएगा। लहसुन प्याज में तो एक अमृत ना है। अगर उस भोजन को अमृत बनाना चाहते हो, उस भोजन का सही में स्वाद लेना चाहते हो, तो उस भोजन को बना करके ठाकुर जी जो तुम्हारे घर में बैठे, जो तुम्हारे घर में भगवान बैठे भूखे प्यासे, तुमने उन्हें कबहू ना खिलायो, सिर्फ अगरबत्ती लगा दे दो पैसे की, और इतने बैठे इनमें से दो कादमों के घरे चिरौंजी रखी हुई पर की साल की, एक पैकेट खरीद के लाए थे, दो ही तो लगानो वो, तो वो दो पैसा की चिरौंजी खिलाम दे और खुद खूब पनीर बनाए बनाए के खाम दे। हम लोग काहे ना लगाते हो, क्योंकि हमारे भोजन में लहसुन प्याज डला है, इसलिए भगवान को भोग ना लगाते। और घर के भगवान भूखे बैठे और छीन जा रहे तो जो है 11 किलो लड्डू चढ़ाए के आ रहे, नर्मदा जी जा रहे तो 5000 आदमों का भंडारा करवाए रहे, और घर के भगवान तुम्हारे भूखे बैठे। घर में जो देवता बैठे हैं, ठाकुर जी जो बैठे हैं, वृंदावन में कोई अलग से नहीं, जो तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल बैठे वही वृंदावन में है, जो राम जी तुम्हारे घर में बैठे वही अयोध्या जी में है, जो शंकर जी तुम्हारे घर में बैठे वही काशी विश्वनाथ हैं, वही महाकाल है। देवता तो एक ही है ना, देवता तो एक ही है ना, कोई अलग तो नहीं, अलग तो नहीं है ना। जो तुम्हारे घर में छोटी मूर्ति के रूप में बैठे वो अलग है भांगे बिहारी, और जो वृंदावन में है वो अलग है, अलग अलग तो नहीं है ना, एक ही है ना, एक ही है। तो वहां जाएंगे तो तुम बड़े भंडारे करवाए रहे, वहां जाएंगे तो 11 किलो मिठाई चढ़ाए रहे, और घर के भगवान इनको भूखे बिठाए के रखे तो अन्याय कर रहे कि ना कर रहे? कर रहे ना। अगर अपने जीवन को सुखी करना चाहते हो, मैं गारंटी देता हूं जो परिवार ठाकुर जी को नित्य भोग लगा करके उस प्रसाद को पूरे परिवार के साथ खाएगा, उस परिवार में कभी विकृति नहीं होगी, उस परिवार की कभी मर्यादाएं समाप्त नहीं होगी, उस परिवार में कभी कोई बड़ा रोग नहीं आ सकता, इस बात की पूर्ण गारंटी है। क्योंकि भगवान का प्रसाद, आप लोग नर्मदा जी जाते हो, नर्मदा जी में आपने भंडारे का प्रसाद खाया होगा, नर्मदा जी जाते हो, नर्मदा जी में जाके वो जीरे और मिर्ची से बघारी हुई सब्जी को खाते हो, तुम्हारे 56 भोग फैल हो जाएंगे, इतनी स्वादिष्ट उस सब्जी में, इतना स्वाद, इतना माधुर्य उस सब्जी में आता है। क्यों आता है? वो सब्जी में कोई खास होता नहीं है, उसका स्वाद क्यों बदल जाता है? क्योंकि तुम्हारे खाने का, उसके खिलाने का भाव बदल गया, इसलिए वही सब्जी में इतना माधुर्य, इतना आनंद आ गया, उसको खाने के बाद तुम्हें शांति प्राप्त होगी, आलस नहीं आएगा, उसको खाने के बाद अपार शांति लगेगी कि आज मैंने मां रेवा का प्रसाद पाया, ये भाव तुम्हारे अंदर आ जाएगा। अगर वही प्रसाद तुम एक दिन, कभी महीने में 6 महीने में एक दिन पाते हो, इतनी शांति मिलती है तुम्हें, अगर वही प्रसाद तुम रोज बना करके खाओ तो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में कितनी अपार शांति होगी, उससे बड़ी कोई शांति हो नहीं सकती। लेकिन जीभ के स्वाद के चक्कर में खूब तेक तेक लहसुन प्याज पटक पटक के खाए रहे, ठाकुर जी भूखे बैठे, तुम पनीर खा रहे, उनको 20 पैसे की चिरौंजी खिलाए रहे, उसका दुष्परिणाम ये है कि हजारों रोग हमारे शरीर में बिगड़वाद के बीपी बढ़ा पड़ा है। अब ये चेक करवाए लो तो किसी का ऊपर किसी का नीचे, अस्त व्यस्त पूरे शरीर का मामला पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि ठाकुर जी भूखे बैठे। अगर सुखी होना चाहते हैं, समृद्धशाली होना चाहते हैं, लक्ष्मीवान होना चाहते हैं, आप लोग किसान हैं, अगर आपकी फसल का एवरेज बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके उगाया हुआ अन्न ठाकुर जी को भोग जरूर लगाया करो। अगर ठाकुर जी को आप भोग लगा करके उस प्रसाद को पाओगे, तो मैं इस बात की संपूर्ण धर्म मंच से गारंटी लेता हूं कि तुम्हारे घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, ऐश्वर्य की पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, हर वस्तु की वृद्धि होगी, और जिसको जघन्य रोग भी होगा वह रोग समूल जड़ से नष्ट हो जाएगा।
अन्न का बड़ा प्रभाव है। एक बार एक संत जो है बड़े भजनानंदी थे, वो भजनानंदी संत एक राजा के यहाँ पर गए। राजा देख करके सिंहासन से खड़ा हो गया और संत को प्रणाम कर लिया, साष्टांग प्रणाम कर लिया, महाराज आप पधारे, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, बड़ा सौभाग्य है, आप मेरे यहाँ भोजन करिए। अगर आप आज मेरे यहाँ भोजन कर लेंगे तो उससे मेरा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाऊंगा मैं। संत ने राजा का निवेदन स्वीकार कर लिया और भोजन बनाया, भोजन कर लिया। अब वो जिस कमरे में महाराज जी जो है संत भगवान रुके हुए थे, उस कमरे में रानी का एक हार टंगा हुआ था, मौला का हार टंगा था। संत आए, उसमें झोली रखी, प्रसाद बनाया, हार टंगा रहा, भोजन किया। भोजन करने के कुछ समय पश्चात जब संत जाने लगे तो वो खूंटी पर हार टंगा हुआ था रानी का, उस हार को उठाया, अपनी झोली में डाला और संत वन में जहां पर उनकी कुटिया थी वहां पहुंच गए। वहां पर भी आश्रम में जाकर के, उस कुटिया में जाकर के भी उस थैली को रख दिया और भगवान के भजन में लग गए। यहाँ राजा के यहाँ रानी ने हार देखा तो हार नहीं मिला, वो खूंटी पर हार नहीं मिला, उसने पूरे महल में दास दासियों को भेज करके ढुलवा दिया, हार कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। वह दास दासियों पर, आगंतुक अतिथियों पर शक करती है, लेकिन किसी ने भी एक बार तक नहीं सोचा कि ये चोरी संत ने की होगी, क्योंकि जो सब कुछ छोड़ करके, जो सब कुछ त्याग करके और भगवान का भजन करने के लिए आया है, वो ये नौलख हार को क्या करेगा, ऐसे नौलख हार तो उनके चरणों में पड़े, राजा को बोल देता तो पूरा राजा राज्य दान कर देता, ऐसे संत थे वो, कहां लेके जाएंगे, किसी के मन में भी नहीं आए। दो दिन व्यतीत हो गए, राजा के महल में सभी की चेकिंग कर ली, बड़ी छानबीन चल रही, हार ना मिला। दो दिन बाद संत ने भजन करते करते एक दिन मन में विचार आया, थैली में देखा तो रानी का नौलखा हार पड़ा हुआ था। देख करके संत व्याकुल हो गए, अरे ये कितना बड़ा अपराध मेरे पर हो गया, मैंने राजा के यहाँ से हार चोरी करके लिया। पुनः संत जो है राजा के यहाँ पहुंचे, राजा के यहाँ जाकर के संत ने राजा से कहा कि महाराज मैं अपराधी हूँ, अपराधियों वाली जगह खड़ा होना चाहता हूँ। कहाँ पर है? राजा ने बताया कि ये जगह, संत वहां अपराधी जहां खड़े होते थे वहां हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, सिर झुकाए हुए। कहा महाराज आप जैसे भजनानंदी अमलात्मा ज्ञानी आप अपराध कर सकते हैं, मुझे विश्वास नहीं है, आपसे क्या अपराध हो गया? राजन मैंने तुम्हारे यहाँ चोरी कर ली। महाराज आपको चोरी की क्या जरूरत पड़ गई? आप मेरे को अगर आदेश कर देते कि ये पूरा राज्य का खजाना मुझे चाहिए तो मैं आपके चरणों में ऐसे ही लुटा देता, आपको चोरी की क्या आवश्यकता? महाराज आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे विश्वास नहीं है। उन संत ने जो है हार को अपनी थैली से निकाला कि इस हार को तुम्हारे महल में ढूंढा जा रहा है, ये मेरे पास था, ये मैं चोरी करके ले गया था। अब वो राजा भी बड़े आश्चर्य में कि महाराज ऐसा इतना बड़ा अपराध आपसे कैसे हो गया? आप जैसे ज्ञानी महापुरुष भजनानंदी व्यक्ति की बुद्धि में विकृति कैसे? संत कहते कि राजा मैं वही पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन मैंने तुम्हारे यहाँ भोजन किया वह अन्न आया कहाँ से था, मैं उसको जानना चाहता हूँ। राजा ने पता करवाया कि वह अन्न कहाँ से आया था, तो उसका पता चला कि वह अन्न जो है एक चोर के यहाँ से टैक्स के रूप में आया था। वो अन्न जो है एक चोर के यहाँ से टैक्स के रूप में आया था, वही अन्न संत को प्रसाद के रूप में पवा दिया, इसलिए संत की बुद्धि में भी अन्न खाने से विकृति आ गया। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव है। बोलिए शंकर भगवान की जय, कमारी बोलिए शंकर भगवान जय। तेज बोलोगे तो फिर कल जैसा आनंद आएगा है। बोले शंकर भगवान की, महाकाली मैया की। बड़े अन्य अन्य संतों का पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में बड़ा वर्णन है। एक महाराज भरत हुए, भरत जी महाराज जो है भगवान के बड़े अच्छे भक्त थे, भगवान का बड़ा भजन करते थे और भगवान का भजन करते हुए अपना राज्य कर रहे थे। एक दिन मन में बड़ा प्रबल वैराग्य आया भरत जी महाराज के, और बड़ा प्रबल वैराग्य आया तो सब कुछ छोड़ करके और वन की ओर चले गए कि अपने पुत्रादि को राज्य देकर के वन में, जंगल में चले गए। अब वन में जाकर के जो है
भगवान का भजन करने लगे। आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास। भगवान का भजन करने के लिए भरत जी महाराज वन में आए। एक दिन देव योग ऐसा बना, भजन भी बड़ा कर रहे हैं, 500 माला रोज भजन करते थे भरत जी महाराज, क्योंकि मुक्ति का साधन करने आए थे, सबको छोड़ के आए थे कि भजन करूंगा। 500 माला रोज भजन करते थे। एक दिन ऐसा देव योग हुआ कि एक गर्भवती हिरणी के पीछे एक सिंह दौड़ रहा था उसका वध करने के लिए, उसका शिकार करने के लिए। और जब हिरणी के पीछे वेग से सिंह दौड़ रहा था तो भरत जी महाराज उसी समय नदी में स्नान कर रहे थे। हिरणी वेग के साथ नदी में कूदी और जैसे ही पूरे वेग से नदी में कूदी तो प्रसव पीड़ा के कारण एक हिरण ने जो है उसके गर्भ से जन्म लिया और हिरणी की मृत्यु हो गई। हिरणी की मृत्यु हुई। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय कोमल होता है, उसे करुणा उसे दया जल्दी आ जाती है। देखा कि ये हिरण ने जन्म अभी अभी लिया है, ये मर जाएगा। दया आई, उसे लेकर के आ गए अपने आश्रम में। आश्रम में लाए थे तब तक ठीक था, उसे एक दो दिन रखते जंगल में छोड़ देते उसके हाल पर, लेकिन वैसा नहीं किया, उसकी सेवा में लग गए कि इसके अलावा मेरा है ही, मेरे अलावा इसका है ही कौन, ये जंगल में जाएगा वन्य पशु से मार देंगे। अब हिरण की सेवा में जो आए थे भजन करने के लिए, आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास, आए थे भगवान का भजन करने के लिए, और वो अब हिरण की सेवा में लग गए। हिरण की सेवा में भी ऐसे लगे कि जो 500 माला भजन होता था अब धीरे धीरे घट करके 5 माला रह गए। जो 500 माला भजन करते थे, भरत जी महाराज का बड़ा राज्य था, चाहते तो ऐसे 100-200-500 हिरण अपने बगीचे में पलवा लेते और उनकी खूब सेवा करते, लेकिन सबको छोड़ के काय के लिए आए थे भजन करने के लिए। हुआ क्या, हिरण में आसक्ति लग गई, हिरण की सेवा में लग गए। अब भजन छूट गया, धीरे 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 करके शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। अंतिम समय आया, उन्हें यही चिंता लगी रहती, हिरण जो है चंचल होता है, क्या ये चंचलता के कारण आश्रम छोड़ करके न चला जाए, वह यह चिंता करते रहे। एक दिन बीमार हुए, लेटे हुए ये सोचते थे कि मेरे हिरण की सेवा कौन करेगा, ये विचार करते रहे और हिरण आश्रम छोड़ करके चला गया चंचलता के कारण। जब हिरण आश्रम छोड़ करके गया और उसके बारे में विचार करते करते उसके विरह को सोचते, उसके विरह में भरत जी महाराज का प्राणांत हो गया। अंत यामति सागति, अंतिम समय में आदमी जो सोचते हुए अपने इस दिव्य देह को त्यागता है उसकी वैसी गति हो जाती है। अंतिम समय में जो सोचते हुए प्राण निकलेंगे वही होगा मनुष्य के साथ। हिरण के बारे में सोचते हुए प्राण त्यागे, दूसरा जन्म हिरण का मिला। अब हिरण का जन्म तो मिला लेकिन उसमें भगवान की कृपा थी, भगवान का भजन किया था उसकी कृपा थी। उन्हें वो हिरण के शरीर में भी याद था कि मैं जो है भगवान का भजन करने के लिए आया था, हिरण की आसक्ति के कारण मुझे हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। भगवान का भजन करते रहे हिरण के शरीर में भी। एक दिन जंगल में आग लगी, सारे जीव जंतु वहां से भाग गए लेकिन भरत जी महाराज नहीं भागे, जल करके भस्म हो गए। तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर हुआ, वहां पर भी नाम भरत रखा गया। तीसरे जन्म में भी उन्हें पूर्व जन्म के वृतांत याद थे कि मैंने हिरण में आसक्ति करी इसलिए मुझे 2 जन्म भोगना पड़ा, अब लेकिन ऐसा कोई आसक्ति वाला काम नहीं करूंगा। भरत जी महाराज जो है अपने पिता के यहाँ पर निवास कर रहे हैं। पिताजी ने एक दिन गायत्री मंत्र इत्यादि याद करने को दिया लेकिन भरत जी महाराज ने कोई गायत्री मंत्र कोई पुराण याद करके नहीं सुनाया। पिताजी ने कुंडली देखी कि बड़ा विद्वान होगा लेकिन ये तो बड़ा मूर्ख है, ये जो हमने सोचा था जो कुंडली में देखा था उसके विपरीत है। भरत जी महाराज कहते कि अगर मैंने कोई एक काम भी सीधा कर दिया तो दूसरे कामों में ये उलझा लेंगे, और मैं भजन करने आया हूँ, मुक्ति का साधन करने आया हूँ, फिर कामों में उलझ कर रह जाऊंगा। और नित्य निरंतर भगवान का भजन करते रहते भरत जी महाराज का अच्छा बढ़िया शरीर है, क्योंकि संत जो है हमेशा अपनी मौज में होते हैं, उन्हें कहू बात की कहू चिंता ना हो तो शरीर भी अच्छा हो जाता है उनका। अब हम तो खूब 8 रोटी खाए रहे तब उसके बाद भी जो है शरीर सूखते जामते, लेकिन संत 2 रोटी घामते उसके बाद भी शरीर अच्छे हट्टे कट्टे लाल पड़ रहे। काहे काहे कि उनको चिंता काहे बात की ना,
जो कुछ ठाकुर जी के ऊपर छोड़ देते हैं, जो है आप जानना, हम तो भजन करेंगे, अपनी मस्ती में अपने मौज में रहते हैं संत। भरत जी महाराज जो है मन से भजन करते और अपनी मौज में रहते, दुनिया क्या कहती है उन्हें किसी बात की कोई फिक्र नहीं। एक दिन भाइयों ने कहा कि जाओ खेत की रक्षा करना, खेत की सुरक्षा करना। भरत जी महाराज खेत में गए, अब खेत में काली धान लगी थी, बैठे बैठे विचार करते कि यार खेत में तो ऐसा कोई काम है नहीं, आज खेत आ गया तो रोज खेत आओ, फिर फसल वो, फिर फसल काटो, बड़ा जी जंजाल बन जाएगा ये तो, इसलिए ऐसा कुछ करना होगा जिससे खेत आना बंद हो जाए हमारा। उन्होंने देखा कि काली धान लगी हुई है, काली धान की बाली देखी, अब तो उन्होंने धान के ऊपर लाठी चलाना शुरू कर दिया, पूरी धान आड़ी कर दी, धान को नीचे गिरा दिया। अब भाई लोग आए कि ये क्या किया, कहा भैया क्या बताऊं, मैं बैठा बैठा देख रहा था, बड़ी मक्खी लगी थी, वो काली धान जो दिख रही थी, कही ये बड़ी मक्खी लगी थी, खेत में पूरी फसल नष्ट कर देती, मैंने तो तुम्हारी जो है रक्षा सुरक्षा करी। कहा भैया ऐसी बड़ी अच्छी रक्षा सुरक्षा करी, तू कोई काम का नहीं, हमेशा जो कहते हैं उसके विपरीत करता है, तू घर से निकल जा। अब भरत जी महाराज तो यही चाहते थे, अगर मन से छोड़ के गए तो घर वाले ढूंढेंगे और कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, दुनिया बड़ी छोटी है, पर पकड़ के लाएंगे, बांधेंगे, दुनिया के तमाशे में लग जाएंगे, इसलिए जे खुद ही भगाए ऐसे काम कर। भाइयों ने भगा दिया घर से, तो वो ही चाहते थे कि घर से निकले तो और भजन हो, अब घर से निकाल दिया, अब तो खूब भगवान का भजन करते, नित्य निरंतर प्रभु की चरण सेवा करते हैं। एक दिन वन में बैठे हुए, जंगल में बैठे हुए भजन कर रहे थे, और भीलों के राजा जो माता महाकाली का पूजन कर रहे थे। अब भीलों में प्रथा थी कि नर बलि दी जाती थी, किसी हट्टे कट्टे मनुष्य की बलि देते थे। भीलों के राजा ने कह दिया कि जाओ जंगल में कोई हट्टा कट्टा मनुष्य देख के लाओ, और जो खंडित ना हो, जो खंडित ना हो ऐसा मनुष्य लाना, जो कटा पिटा होता है ना उसकी बलि नहीं दी जाती। पहले जो है कर्ण वेद संस्कार होता था, उसका एक कारण ये भी था कि पहले नर बलि की कुप्रथा थी, तो कांछदा लेता था आदमी की, कांछदा आज भी बुजुर्गों के छदे कांछदा खंडित हो गया, इसकी बलि का काम का नहीं। तो भरत जी महाराज को देखा का खंडित नहीं है, ये तो पूरा हट्टा कट्टा बढ़िया है, इसकी बलि होगी, माता महाकाली प्रसन्न हो जाएगी। भरत जी से कहा चलो हमारे साथ, वो तो भीतरागी संत थे, भगवान का भजन करने वाले। भरत जी से कहा चलो हमारे साथ, क्यों भैया क्यों जाना, का माता महाकाली का पूजन होगा आज, तुम्हारी बलि दी जाएगी। अरे भरत जी महाराज तो नाचने लगे, अरे मेरी बलि दी जाएगी, इससे अच्छा कोई शुभ अवसर हो नहीं सकता कि भगवान के काम में तो आया ये शरीर, किसी काम का नहीं है शरीर। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर, ये किसी काम का नहीं है, इसलिए भगवान के काम में तो आ रहा है। तो नाचते हुए आगे होलिए साथ में होलिए की, चलो भैया बलि दी जाएगी। अब भरत जी महाराज को लाए, उन्हें स्नान कराए, स्नान करा करके जो है बलि के लिए तैयार किया गया, हमारा माता महाकाली का पूजन हुआ, माता महाकाली का दिव्य पूजन चल रहा है, सभी भील माता महाकाली के मंदिर में विराजमान होकर के माता महाकाली का सुंदर पूजन कर रहे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, माता महाकाली का दिव्य पूजन कर रहे हैं। और भरत जी महाराज को लेकर के आए, कहा बलि दी जानी है, भरत जी महाराज की बलि देने के लिए उन्हें जहाँ बलि का स्थान था वहां लेके आए। भरत जी महाराज ने खुद ने अपनी गर्दन रख दी कि भैया जल्दी करो, विलंब मत करो, क्योंकि आज मेरा शरीर यह अधम शरीर भगवान के काम में तो आ रहा है। अपनी गर्दन रख दी कि जल्दी करो। माता महाकाली विचार करती है कि ये ठाकुर जी का, मेरे पति का, ठाकुर जी का भक्त है, भगवान का भक्त है, अगर आज इसकी बलि दे दी गई तो ये ठीक नहीं होगा। भक्त को कष्ट देना मतलब भगवान को कष्ट देने के बराबर है। किसी भक्त का अगर हम अपराध करते हैं तो समझ लो कि उस भक्त का अपराध नहीं कर रहे हैं, वो अपराध भगवान का हो रहा है, क्योंकि वो तो उसी को सहारा मानता है। उसके साथ तुम अपराध करोगे वो किससे कहेगा, किससे कहने जाएगा, उसकी पहुंच कहाँ है, उसकी पहुंच वहां है। वो उससे जाकर के कह देगा कि जीवन में कोई कष्ट आ रहा हो तो देख लेना, और वो जो देखेंगे वैसा कोई नहीं देख सकता।
माता महाकाली ने सोचा कि मेरे भक्त को, भगवान के भक्त को, ठाकुर जी के भक्त को आज पीड़ा दी जाएगी, ये बर्दाश्त नहीं होगा मेरे से। जैसे ही बलि देने के लिए वह राक्षस, वह जो भीलों का राजा उद्यत हुआ, वैसे ही मूर्ति को फाड़ करके माता महाकाली प्रकट हुई और उस भीलों के राजा का वध कर दिया। और यहाँ पर जड़भरत जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, बोलिए महाकाली मैया की जय हो, महाकाली मैया की जय हो। अरे जय का मारे, काली जी प्रकट हुई है ना, महाकाली प्रकट हुई है ना, तो महाकाली प्रकट हुई है तो आपकी जय होगी, जब तो दिखेंगी आपको। बोलिए महाकाली मैया की जय हो। ओ काली काली महाकाली